हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस अपडेट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड जून 2020 नमस्कार मेरा नाम है शिफाली बजाज जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के डिफरेंट सेशन डिफरेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही थी जिसके अंदर हम जो है वो सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अब मैं आपके लिए लेकर आई टीचिंग एप्टीट्यूड का फाइनल सेशन जिसके अंदर 2020 के के अंदर जून के के एग्जाम जो क्वेश्चन आए थे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए थे उसे हम डिस्कस करेंगे टॉप टेन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके शुरू करते हैं ये सेशन यस yes, तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अनअकेडमी के बारे में क्योंकि एक अनकेडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये yes, तो यहाँ पर परफेक्ट स्टडी पार्टनर हो सकता है आपके लिए एन टी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए कई स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है बेस्ट एजुकेटर्स है लाइव क्लासेस है टेस्ट और क्विजेस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ भी आपको मिल रहे हैं उसी के साथ बहुत सी अलग डिफरेंट चीजें जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको पर्सनल कोर्स मिलेगा स्टडी प्लानर आपका तैयार किया जाएगा स्टडी बूस्टर सेशन होंगे डेडिकेटेड डाउट सेशन होंगे आपके प्रिप्रेटरी स्टडी मेटीरियल है अनलिमिटेड प्रैक्टिस मटीरियल आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड हो रहे हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसओपी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि आप देख पा रहे हो

एन टी ए शिफाली एन टी ए इस कोड को लगाने से आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस में तो इसकी सारी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक आउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे ओके स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो ओके तो अब हम आ गए हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो जून 2020 सेशन से लिया गया है यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आपको मैच दिया गया है डिजिटल इनिशिएटिव्स का और उसके ऑब्जेक्टिव्स का नेट स्वयं प्रभा एनडीए स्वयं नेट क्या है नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी जिसके अंदर हम अपने सर्टिफिकेट्स को हम अपने जो स्टोर कर सकते हैं अपने डिग्रीज को स्टोर कर सकते हैं और ये एक ऐसी डिपोजिटरी है जो उनकी ऑथेंटिसिटी का भी प्रूफ है डेट मीन हम अगर इसके अंदर अपने सर्टिफिकेट्स को सेव्ड रखते हैं अगर इसके अंदर हम जो है उसको डिजिटल फॉर्म में रखते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी को भी प्रूफ करता है कि ये बिल्कुल सही

तो ये आ गया आपका स्वयं तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसे बिल्कुल इजीली आप इसको मैच कर सकते हो देखो नेट जो है वो आपका क्या हो गया ट्वेंटी फोर सेवन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल अकेडमिक अवार्ड सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज तो ए को हम थर्ड के साथ मैच कर देंगे बी इज द स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा क्या है ये यूटिलाइजेशन ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जो एजुकेशन ई कंटेंट थ्रू नेशनल चैनल तो नेशनल चैनल के थ्रू हम सबको एजुकेशनल कॉन्टेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेटेलाइट कॉम्युनिकेशन के थ्रू दैट इज थर्ड वन इज एनडीए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो ऑल ऑल डिजिटल लाइब्रेरी स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट्स तो बिल्कुल सही है भी ठीक है देन आ गया है हमारा स्वयं स्वयं क्या है ऑफर करता है ऑनलाइन Courses for school education and higher education. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही यहां पर जा रहा है ए इज थर्ड बी इज फर्स्ट सी इज सेकेंड एंड डी इज फोर्थ बिल्कुल सही तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर ओके okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कोग्नेटिव बिहेवियर्स का इन दोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपको कोगनेटिव बिहेवियर के करेक्ट सीक्वेंस को बताना है डेट मींस अगर हम कॉग्नेटिव लेवल पर किसी को स्टडी करवा रहे हैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं है, तो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस

एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया उसके बाद लास्ट उसके बाद फोर्थ वन क्या आ गया हमारा एनालिसिस अब उसे वो एनालाइज कर पा रहा है उसे खुद विश्लेषण कर पा रहा है उसे अच्छे से

ओके okay, तो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर थर्ड क्वेश्चन पर ये वीडियो आपके लिए सारी काफी इंपॉर्टेंट है तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? है, है, है जिसके अंदर टीचर्स जो है अपनी टीचिंग को प्रैक्टाइज करते हैं टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं वो देखते हैं कि कुछ ऐसा मैटर जिसके अंदर उनको लगे कि हाँ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है कुछ चेंज की जरूरत है तो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं टीचर्स और ताकि हम बेटर लर्निंग आउटकम्स ला सके तो उसकी उसके लिए हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग को करते हैं ये जो है एक तरह से प्रैक्टिस टीचिंग है आपकी टीचिंग को प्रैक्टाइज किया जा रहा है उसे बेहतर बनाने के लिए तो इसका बोला गया है हॉलमार्क क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का तो यहाँ पर क्लियर ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको मिलता है पर्सनलाइज इंटरेक्टिव हाई लेवल ऑफ कॉग्नेटिव इंटरचेंज होता है सिस्टमेटिक प्लान और क्विक क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं और लॉजिकल कोहेरेंट और एग्जाम्पल बेस्ड प्रेजेंटेशन तो देखो यहाँ पर एग्जेक्टली exactly क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो चाहे तो अपने कोलीग्स के सामने ही आप जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और कोलीग्स से फिर बाद में वो अपना सजेशन लेते हैं रिकमेंडेशन लेते हैं कि उन्होंने कैसा पढ़ाया कहां पर चेंज चेंज होने change करने की जरूरत है तो यहाँ पर हम किसी तरह का कोर्गनेटिव इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ अपने कोलीग्स के सामने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने एक्सपर्ट्स के सामने उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी कुछ नहीं होता है सिर्फ हम अपना प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं लॉजिकल कोहेरेंट और

First one is home related factors, second one is school related factors, third one is teacher related factors, or fourth one is supplementary technological related factors. फैक्टर्स तो so, यहां पर आपको रिसर्च एविडेंसेस के बेस पर बोला गया है पहली बात तो होम रिलेटेड स्कूल रिलेटेड तो बहुत पीछे रह जाते हैं जब आपकी एजुकेशन सेक्टर में आप आ जाते हो तो होम रिलेटेड स्कूल रिलेटेड मोस्ट इफेक्टिव नहीं कह सकते आप लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट फैक्टर कौन सा है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स जो है वो आपके लिए इफेक्टिव माने जाते हैं लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए

नहीं कर पाएगा ठीक है उसके बाद स्टूडेंट आइडियाज और कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करना और एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस अब आप इसके अंदर बेहतर किसे देख पा रहे हो एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स को एंगेज करो उनके आइडियाज और को यूज करो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टूडेंट का आइडिया कई बार स्टूडेंट गलत बोल रहा है या वो ढंग से नहीं बता पा रहा हम उसे यूज कर रहे हैं तो तो दैट इज नॉट मोस्ट इफेक्टिव हम कह सकते हैं इसके अंदर जब एंगेजमेंट की बात ही आ गई तो ये मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है ना एंगेजमेंट का तो यस ए बी डी इज द राइट आंसर हियर स्ट्रक्चरिंग भी इतनी स्ट्रक्चरिंग uh, का मतलब क्या हो गया कि हम अपने लेक्चर को पूरे स्ट्रक्चर वाइज प्रोवाइड कर रही हैं अब इसको इफेक्टिव टीचिंग इसके बिना नहीं हो पाएगी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना तो एंगेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, है और लेसन क्लैरिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो आप हम आ गए हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए काफी मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टेटमेंट वाइज फॉर्मेटिव एवेल्यूशन के ऊपर फॉर्मेटिव एवेल्यूशन के ऊपर वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ सेशन दे चुकी हूँ तो सेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा डोंट वरी तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है

फीडबैक जो है वो इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है देखो ये तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि फॉर्मेटिव एवेलेशन हम करते ही इसीलिए हैं। कि हम जो स्टूडेंट का इवेल्युएशन टीचिंग के दौरान कर रहे हैं जब हम उन्हें पढ़ा रहे हैं जब प्रोग्राम चल रहा है उस टाइम पर हम उसे इवेल्युएट कर ही इसीलिए रहे हैं कि सामने से हमें रिजल्ट मिले फीडबैक मिले और जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर हम प्रॉपर फीडबैक दे भी आगे मतलब अगर किसी चीज को ठीक करने की जरूरत है चाहे वो टीचिंग लेवल पर है चाहे वो लर्निंग लेवल पर है तो उसे हम सुधार पाए कोई भी कह, कहीं पर भी कमी आ रही है उसे हम सही कर पाए तो फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसके अंदर बहुत इंपोर्टेंट है और फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हमें हमारा जो है ये first statement में से है 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 क्योंकि उसके अंदर ऐसा ही होता है, teaching और testing जो है, वो साथ साथ चलते हैं और उसका main कारण भी यही होता है है कि हम किस तरीके से अपने जो है वो टीचिंग लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बना सके तो yes आपको यहां पर समझ आ पा रहा होगा कि स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकेंड बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि फीडबैक एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है स्वयं से रिलेटेड स्टेटमेंट्स के ऊपर स्वयं के ऊपर आपको दो स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट वन इज स्वयं एन इनिशियेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एंड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन तो स्वयं हमें एक्चुअली क्या करता है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट कोर्सेज हायर लेवल के कोर्सेज होते हैं जो अभी भी आपके चल रहे हैं जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी बताई थी कि कौन कौन से कोर्सेज आपको स्वयं प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते थे तो so स्वयं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशियेटिव है जिसका मेन कारण क्या है मेन उसका एम क्या है कि वो क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया उसको इंडिया के सिटीजन को प्रोवाइड करवा सके ठीक है स्टेटमेंट सेकंड क्या बोला गया है स्वयं एम्स एट प्रोमोटिंग द एजुकेशन यस एजुकेशन को प्रमोट करने में एम कर रहा है एंड हेल्थ ऑफ अडोलोस गर्ल्स तो ऐसा कुछ भी नहीं है अडोलोस गर्ल्स की हेल्थ से रिलेटेड तो कोई पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं तो हमें यहां पर क्या समझ आ रहा है स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है उसमें गड़बड़ है तो ऑफ कोर्स स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फोर्स तो थर्ड वन इज योर करेक्ट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से आपका पूछा जा रहा है वो आपको बोला गया है कि आपको डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे जहां पर प्रभाव डालने की जो दिशा है वो सिर्फ वन वे हो तो वो आपको बताना है कि इनमें से किस में ऐसा होता है फर्स्ट वन 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 इज 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 काउंसलिंग सेकंड गाइडिंग थर्ड टीचिंग एंड फोर्थ लर्निंग देखो यहां पर अगर देखा जाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो आपको सारे पॉइंट बोले गए हैं उसके अंदर फर्स्ट जो है वो भी काउंसलिंग एक तरह से टीचिंग ही है हम काउंसलिंग कर रहे हैं एज अ टीचर काउंसल कर रहे हैं किसी को ठीक है उसके बाद गाइडिंग हम किसी को गाइड कर रहे हैं थर्ड वन इज टीचिंग हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो ये तीनों तो वैसे भी आपको लग रहा है कि ओड वन आउट भी अगर आप निकालोगे तो यहां पर आपको लर्निंग ही मिलेगा ठीक है तो इन्फ्लुएंस का जो डायरेक्शन होता है वो वन वे सिर्फ अपनी लर्निंग में होता है जब स्टूडेंट एक पर्सनल लेवल पर जो है वो अपना कुछ सीख रहा है ठीक है क्योंकि तो ये तीनों जो है वो सोशल लेवल की जो है एक्टिविटीज़ हैं लेकिन ये पर्सनल लेवल की एक्टिविटीज हैं तो ये सिर्फ वन वे होता है यहाँ पर टू वे नहीं होता है ये जो है काउंसलिंग जो है उसके अंदर काउंसलर जो है अपने स्टूडेंट को काउंसल कर रहा है तो वो डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस आपका स्टूडेंट की तरफ जो है वो जा रहा है गाइडिंग भी गाइडिंग में भी हम गाइड करते हैं टीचिंग में भी हम सामने वाले को स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हो रहा है तो लर्निंग जो है वो एक ऐसा अकेला है जिसके अंदर वन वे डायरेक्शन रहता है इन्फ्लुएंस का ओके okay, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है वो है हैकी के अंदर नीड्रेंथ कौन सी है जो कि हायर ऑर्डर लर्निंग के लिए जरूरी है तो मास्टल हरारकी आपकी एक थ्योरी है जो आपके डिफरेंट नीड्स को शो करती है कि एक पर्सन को सबसे पहले कौन सी नीड्स चाहिए उसके बाद कौन सी नीड्स उसके बाद कौन सी मतलब की कौन कौन सी उसकी नीड्स पूरी होती जाएंगी तो कौन सी नई चाह उसके मन में उठती जाएगी उस तरीके से आपको एक थ्योरी दी गई है एक्चुअली ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स काफी अच्छे से समझ पाएंगे इसको क्योंकि ये मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर या उनके कई

फाइव टाइप्स ऑफ नीड्स दी गई हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज के थ्रू दिखा देती हूँ देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो यहाँ पर सबसे नीचे जो आपकी आप, आपकी जो नीड्स आती हैं वो आती है फिजियोलॉजिकल जिसके अंदर रोटी कपड़ा मकान आ जाता है उसके बाद उसकी सेफ्टी हो जाती है मतलब हमें जो है सबसे पहले एज अ पर्सन क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान उसके बाद हमें सेफ्टी जरूरी है जो हमने कमाया है जो हमने आ, रोटी

टॉप मोस्ट टू जो है हमारी हरारकी ऑर्डर लर्निंग हायर ऑर्डर लर्निंग है हमारी हरारकी के अंदर तो आपको टॉप मोस्ट टू ही पूछी गई है ऑप्शन के थ्रू तो आपकी यहां पर कौन सी आ गई एस्टीम नीड्स एंड नीड्स फॉर सेल्फ सेन तो डी एंड इज इज योर करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट तो जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है वो आ गया है लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर इसके ऊपर भी वीडियो है हमारे पास सेशन है तो सेशन अगर आप अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्चुअली सारे सेशन की आपको लिंक दे दूंगी क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है विध टॉपिक्स नेम आपको बता दूंगी कि किस सेशन में क्या क्या चीज कवर की है हमने ओके तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव कौन से हायर लेवल पहली बात आपको पूछा गया हाई लेवल सबसे पहली बात हो ठीक है एट वेरी हाई लेवल के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक्टिव और इंटरेक्टिव होता है कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है वो हाई लेवल ऑफ टीचिंग है तो आपको यहाँ पर बोला गया रिफ्लेक्टिव सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग थर्ड वन इज मेमोरी लेवल एंड फोर्थ वन इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके मन में ये चीज बैठ गई होगी कि यहाँ पर पहली बार तो लेवल ऑफ टीचिंग होते ही थ्री है मेमरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव तो मेमरी इज द लोवेस्ट लेवल तो

डिफरेंट क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं यहां पर रिलेटेड स्टूडेंट्स okay, तो कीप इन ट बाय टेक केयर है नाइस डे